जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हॉस्पिटल का बिल बनाना बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर हॉस्पिटल का बिल बना सकते हैं। जैसे कोई भी पेशेंट एडमिट हो रहा है तो उसकी वहां पे क्या है, एक एडमिट डेट दी जाती है कि किस डेट में एडमिट हुआ, उसके बाद वो किस डेट के अंदर डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ डेज निकाले जाते हैं कि वो कितने दिन एडमिट रहा। उसके अकॉर्डिंग उसके जो वार्ड चार्ज है, मतलब उसका रूम का चार्ज ऐड किया जाएगा, साथ ही साथ डॉक्टर की फीस, नर्सिंग फीस और स्पेशल विजिट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हॉस्पिटल का बिल बनाना बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेल के अंदर हॉस्पिटल बिल बना सकते हैं। मैं एल के सूर्यवंशी, वेलकम टू LS डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मेडिकल शीट की फॉर्मेट दी हुई है, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर मैंने SR नंबर, पेशेंट नेम, वार्ड नंबर, वार्ड, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिट, डेट ऑफ डिस्चार्ज, नंबर ऑफ डेज, टोटल वार्ड चार्ज, डॉक्टर फीस मतलब डॉक्टर चार्ज, स्पेशल विजिट और टोटल पेमेंट। तो ये तो मेरी क्या है, एक सीट की फॉर्मेट है कि हमारी जो सीट के अंदर जो फॉर्मेट है वो दी हुई है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग और भी फॉर्मेट ऐड भी कर सकते हो, मतलब और भी कंटेंट ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट दी हुई है। देखिए, इन लिस्ट की बात करें तो आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर एक रिसेप्शन पर लिस्ट लगी होती है, उसमें क्या दिया होता है कि डॉक्टर का चार्ज क्या होगा, वो डॉक्टर चार्ज और स्पेशल विजिट चार्ज क्या होगा। उसके बाद कुछ वार्ड के चार्ज दिए होते हैं कि कोई पेशेंट जनरल वार्ड में एडमिट होता है तो जनरल वार्ड का क्या चार्ज होगा, स्पेशल वार्ड में एडमिट होता है तो स्पेशल का क्या होगा, AC वार्ड में होता है तो AC और ICU वार्ड में होता है तो ICU। तो यहाँ पर मैंने क्या है, कुछ चार्ज का एक तरह से चार्ट शो करा रखा है कि पेशेंट किस वार्ड के अंदर एडमिट हो रहा है तो उसका चार्ज क्या लगेगा। मैंने उसके बाद यहाँ पर कुछ पेशेंट नेम, वार्ड नंबर और उनके वार्ड दिए हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वार्ड दे दिया, जनरल वार्ड, AC वार्ड, ICU वार्ड, यहाँ पर मैंने कुछ वार्ड दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट, यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट दे दिए, जैसे आई, शुगर, हेड, ठीक है, फ्रैक्चर। आप देखेंगे तो आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट बने होते हैं कि किसी पेशेंट को आइज की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आइज का डिपार्टमेंट अलग होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आइज के पेशेंट मिलेंगे और वहाँ पे इलाज आइज का ही मिलेगा। किसी पेशेंट को क्या है, शुगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्या है, शुगर का इलाज होगा। फ्रैक्चर प्रॉब्लम है तो फ्रैक्चर का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट जो पेशेंट को बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग क्या है, वहाँ पर डिपार्टमेंट बने होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या है, इलाज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एडमिट डेट दी हुई है कि उस पेशेंट को किस डेट में एडमिट किया गया, और यहाँ पर मैंने डिस्चार्ज डेट दी कि उस पेशेंट को किस डेट में डिस्चार्ज किया गया। एक चीज याद रखना, जब भी आप एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट दो तो उसमें क्या है कि कभी कभी हम जब एडमिट डेट या डिस्चार्ज डेट देते हैं तो हमें डेट की फॉर्मेट में प्रॉब्लम आती है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम डेट डालते हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेट दे दी हमने, जैसे मान चले हमने दे दिया 01 और मंथ का नेम दे दिया हमने 02 और हमने ईयर दे दिया, तो इस टाइप से देंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारी कभी कभी फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं होती है। यहाँ पे तो मैंने फिलहाल एक्सेप्ट करा लेकिन फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं होती है। तो आप एक चीज याद रखना, जब भी डेट दो आप एक फॉर्मेट पे डेट देना, आपका कंप्यूटर हमेशा उस डेट फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेगा। आपको क्या करना है, पहले डेट, जैसे मैं 1 जनवरी दे रहा हूँ तो यहाँ पर डेट, उसके बाद आप स्पेस देना, आप कोई फॉरवर्ड स्लैश, कोई बैकवर्ड स्लैश, आप कुछ नहीं देना है, ना ही फॉरवर्ड स्लैश, ना ही बैकवर्ड स्लैश, ना डैश, कुछ मत दीजिए, सिर्फ डेट दीजिए। डेट देने के बाद स्पेस दे दीजिए, स्पेस के बाद जो मंथ का नेम आप दे रहे हो वो करेक्टर वाइज दे दीजिए, ठीक है। मंथ का नेम कैसे शो करा दो, करेक्टर वाइज शो करा दीजिए, उसके बाद स्पेस दीजिए फिर से, देन आप ईयर दे दीजिए। तो आप इस फॉर्मेट को डालेंगे तो आपके सारे कंप्यूटर इस फॉर्मेट को आपको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ऑल कंप्यूटर इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेंगे। आपने यहाँ पर जो डेट दी है 1 जनवरी 2023 एंटर करेंगे तो देखिए इसने बाय डिफॉल्ट इसने डैश यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी टाइप से आप डेट की फॉर्मेट देंगे तो सारे कंप्यूटर आपके डेट को फॉर्मेट को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने डिस्चार्ज डेट दी सेम इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए उसकी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शो करा दिया नंबर ऑफ डेज, वो कितने दिन एडमिट रहा, टोटल वार्ड चार्ज क्या रहा, टोटल डॉक्टर फीस क्या रही, स्पेशल विजिट क्या रहा और टोटल पेमेंट। तो मैंने यहाँ पे तो देखिए ये फॉर्मेट बनाए हुए, लेकिन मैं क्या करता हूँ इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने क्या किया, डिलीट,
क्योंकि ये फॉर्मेट तो आप नॉर्मल तैयार भी कर लोगे, मेन है इसके अंदर आपके फॉर्मूलेज कि आप किस टाइप से इनके अंदर फॉर्मूले यूज करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। मुझे शो कराना है कि ये राहुल है, ये राहुल पेशेंट किस डेट को एडमिट हुआ और किस डेट में डिस्चार्ज हुआ, तो इसके नंबर ऑफ डेज कितने हुए कि ये कितने दिन वहां पर एडमिट रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन दीजिए। आप सबसे पहले इक्वल का साइन ब्रैकेट ओपन करिए। आपको क्या करना है, आपको जो डिस्चार्ज डेट है, आपका जो डिस्चार्ज डेट की बात करूं तो डिस्चार्ज डेट हमारा किस पर है, जी पर और जी एट। या तो आप जी एट लिख दीजिए या आप डिस्चार्ज डेट का जो डेट है आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जी एट लिख के आ जाएगा। देन उसके बाद करना है आपको माइनस। माइनस किसको कर देना है, इसमें से एडमिट डेट को। क्लियर है, आपने डिस्चार्ज डेट में से क्या माइनस करना है, एडमिट डेट। उसके बाद करना है ब्रैकेट क्लोज। अभी आपको एंटर नहीं करना, एक चीज याद रखना हमने क्या किया है, फिलहाल अभी डिस्चार्ज डेट में से एडमिट डेट माइनस करिए। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्लस का साइन भी यूज करना है। क्या यूज करेंगे, प्लस, और इसमें क्या प्लस करना है, वन। अब देखिए यहाँ पे मैंने वन प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो मैं माइनस कर रहा हूँ वो 1 जनवरी से और किसको, 6 जनवरी को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 जनवरी से 6 जनवरी माइनस करेगा तो कितने डेज शो करा देगा, 5 डेज। लेकिन पेशेंट किस डेट में एडमिट हुआ था, 1 में, तो इसलिए वो 1 तारीख भी उसके लिए क्या करी जाएगी, काउंट करी जाएगी। ठीक है, वो 1 दिन भी उसके लिए क्या होगा, उसमें ऐड किया जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जितने भी डेज माइनस हो के आ रहे हैं उसमें आपको 1 दिन उसमें ऐड करना है, क्योंकि वो 1 तारीख को एडमिट हुआ है तो उस दिन का भी उसको चार्ज पे करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्लस वन और उसके बाद कर दीजिए एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए इसके नंबर ऑफ डेज आगे कितने, 6। हमें यहाँ पे देखिए वन प्लस नहीं करता, तो इक्वल टू डिस्चार्ज डेट में से हम एडमिट डेट को माइनस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो क्या दिखाया इसने, 5 दिखाया। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, 6 में से सीधा 1 को माइनस किया तो कितने आगे, 5। लेकिन वो 1 तारीख को तो एडमिट हुआ था तो 1 तारीख का भी चार्ज लगना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया था, उसमें 1 को प्लस किया। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन डिस्चार्ज डेट माइनस एडमिट डेट ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एंटर। तो आप देखेंगे तो इसका भी क्या है, नंबर ऑफ डेज निकले है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ, या तो आप ड्रैग कर दीजिए या फिर आप डबल क्लिक के साथ में भी आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए या फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ऑटो क्या होंगे, ये हमारे फॉर्मूले लग चुके हैं सबके अंदर। तो ये तो हमारे क्या निकले, नंबर ऑफ डेज कि ये कितने दिन एडमिट रहा। अब बात करते हैं किसकी, टोटल वार्ड चार्ज की, कि इसका जो वार्ड चार्ज है वो कितना लगा। वार्ड की बात करें तो हम यहाँ पर रूम चार्ज भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हम वार्ड ना लिख के क्या लिख सकते थे, रूम भी लिख सकते थे, यहाँ पर रूम का चार्ज भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, वार्ड चार्ज निकालना है। तो वार्ड चार्ज का फॉर्मूला होगा इक्वल टू इफ, यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वल टू इफ। इफ यूज करने के बाद में इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे किसके ऊपर, वार्ड के ऊपर। किस पर, वार्ड। तो वार्ड देखा जाए तो हमारा किस पर है, डी पर। तो डी एट, या तो सिंपल डी एट लिखिए या आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसका जो वार्ड है वो है जनरल, तो यहाँ पे मैं जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इक्वल टू, अब देखिए किसी भी आपको टैक्स को फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन देते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा, मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे क्या मिलता है इसको, जनरल वार्ड मिलता है। क्या मिलता है, अगर इसको यहाँ पे जनरल वार्ड मिलता है तो इनवर्टेड कॉमा कॉमा, तो क्या करे, उसके जितने नंबर ऑफ डेज निकले, अगर यहाँ पे इसको जनरल वार्ड मिले तो जितने भी उसके नंबर ऑफ डेज निकले उसको इनटू कर दे। नंबर ऑफ डेज को सिलेक्ट करता हूं मैं यहाँ पर, नंबर डेज को क्या करे, इनटू करे, किससे, 300 से। मतलब जो उसका जनरल वार्ड का चार्ज है वो कितना है, 300। तो या तो आप यहाँ पर 300 टाइप भी कर सकते हो, ठीक है, या आप 300 को सिलेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है, कि अगर इसको यहाँ पर जनरल वार्ड मिलता है तो जनरल वार्ड को क्या करे, उसके जितने दिन निकले हैं, मतलब जितने उसके नंबर ऑफ डेज हुए हैं, उसको जनरल वार्ड का जो चार्ज है उससे क्या कर दे, इंटू कर दे। फिर से मैं कॉमा इफ ब्रैकेट, फिर से मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा इक्वल टू, अगर यहाँ पे कौन सा वार्ड मिले इसको, स्पेशल वार्ड, तो इनवर्टेड कॉमा कॉमा, तो क्या करे, उसके नंबर ऑफ डेज में इंटू स्पेशल वार्ड का जो चार्ज है आप उसको सिलेक्ट करिए।
कि क्या करें कि अगर इसको यहाँ पर स्पेशल वार्ड मिले तो क्या करें, वो स्पेशल वार्ड का चार्ज लगाए। फिर से कॉमा इफ ब्रैकेट, फिर से हम इसी को सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू क्या, अगर इसको यहाँ पर एसी वार्ड मिले, अगर इसको यहाँ पर एसी वार्ड मिले तो इसके जो नंबर ऑफ डेज हैं उसमें इनटू कर दे एसी वार्ड का चार्ज। फिर से कॉमा इफ, फिर से मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ इक्वल टू, अगर इसको क्या मिले यहाँ पर आईसीयू वार्ड मिले तो क्या करे वो आईसीयू वार्ड में जो आईसीयू वार्ड का चार्ज है उसको ऐड कर दे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर टोटल सारे चार्जेस ऐड कर दिए कि अगर इसको यहाँ पर जनरल मिलेगा तो जनरल का चार्ज लग जाएगा, स्पेशल मिलेगा तो स्पेशल, आईसीयू मिलेगा तो आईसीयू, और एसी मिलेगा तो एसी। अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 ठीक है, तो चार बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया, लास्ट में चार बार ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा 1 2 3 4, उसके बाद करता हूँ एंटर। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया तो इसका वार्ड चार्ज यहाँ पर निकल के आ गया 1800 रुपये। क्यों? कि ये किस वार्ड के अंदर था? जनरल के अंदर। कितने दिन एडमिट रहा? 6 डे। तो जनरल का चार्ज देखा जाए तो कितना है? 300 रुपये। तो 300 के अकॉर्डिंग क्या आ गया यहाँ पर? 1800 रुपये। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, मैं इसको आगे के लिए ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला सही नहीं होगा। तो क्योंकि मैं ड्रैग करूंगा तो ये वैल्यू भी आगे ड्रैग होगी, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जितना भी मेरा वार्ड चार्ज है मैं यहाँ पर देखिए फिर से शो करा देता हूँ आपको, ये जो मेरा वार्ड चार्ज है जैसे यहाँ पर ये है, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेल को फिक्स कर देता हूँ। तो मैं इस वाले को सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करने का तो क्या कर दूंगा F4, तो F4 से क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। फिर से मैं J5 को सिलेक्ट करता हूँ, F4 करूंगा, फिर L4 को सिलेक्ट करूंगा, F4 करूंगा, L5 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर F4 करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो देखिए अब यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो सबके यहाँ पर वार्ड चार्ज अप्लाई हो चुके हैं। क्लियर है? तो आप इस टाइप से क्या है, आप वार्ड चार्ज निकाल सकते हो। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका क्या है, AC, एसी कितने दिन एडमिट रहा, ये 3 डेज, तो एसी का जो चार्ज कितना है वो 800, तो 3 डेज के अकॉर्डिंग क्या आ गया इसका 2400। यहाँ पर ये स्पेशल वार्ड 6 दिन एडमिट रहा, स्पेशल का चार्ज कितना है 500, तो 6 दिन का कितना हो गया 3000 रुपये। तो आप इस टाइप से वार्ड चार्ज निकाल सकते हो। अब बात करते हैं हम किसकी, डॉक्टर फीस की, कि डॉक्टर फीस मतलब मैं डॉक्टर चार्ज कैसे निकालना है। तो डॉक्टर चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, इसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज पे निकलेगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इनटू मतलब मल्टीप्लाई का साइन देना है, और आपको किसको देना है, इसका जो डॉक्टर की फी चार्ज होगा, जो डॉक्टर का चार्ज होगा उससे क्या कर देना आपको, इसको इनटू कर देना है। तो डॉक्टर का चार्ज या तो सिंपल आप 500 कर दीजिए या फिर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर ये कितने दिन एडमिट रहा, 6 डेज, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या है, जो डॉक्टर की फीस है वो 3000। मैं यहाँ पर डॉक्टर की फीस को भी क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और F4 करूंगा तो अब ये फिक्स होगी। मैं यहाँ पर एक और बार बताता हूँ, इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इनटू डॉक्टर की फीस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो इसकी क्या है यहाँ पर डॉक्टर फीस निकले, मैं इसको भी यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, एंटर, सेम यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये सबकी डॉक्टर की चार्ज निकले है, मतलब डॉक्टर फीस निकल के आ चुकी है। अब बात करते हैं देखिए स्पेशल विजिट, स्पेशल विजिट का फॉर्मूला यूज करने से पहले सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि स्पेशल विजिट होता क्या है। देखिए स्पेशल विजिट की हम बात करें तो स्पेशल विजिट क्या होता है, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उस पेशेंट को ये डॉक्टर देख रहा है जो 500 पर डे का चार्ज ले रहा है, लेकिन पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि इस डॉक्टर पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो क्या होता है कि उस पेशेंट के लिए बाहर से डॉक्टर हायर किया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो क्या होता है कि भाई बाहर से डॉक्टर बुलाया जा रहा है, जो डॉक्टर इसको देख रहा था उसको इसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तो इसके लिए क्या करा जा रहा है, बाहर से एक स्पेशल डॉक्टर बुलाया जा रहा है। तो जो स्पेशल डॉक्टर आएगा उसका जो चार्ज होगा वो पेशेंट को ही पे करना होता है, लेकिन जो उसका चार्ज होता है वो कैसे पे करता है, उसका जो चार्ज जाता है वो पर विजिट के अकॉर्डिंग जाता है, उसका चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग नहीं जाता, किसके अकॉर्डिंग, पर विजिट के अकॉर्डिंग, कि उस डॉक्टर ने उस पेशेंट को कितने टाइम विजिट करा, मतलब कितने टाइम उसको देखा। हो सकता है कि दिन में उसने 4 बार भी उस पेशेंट को देखने आया तो उसका 4 बार का चार्ज लग जाएगा, क्यों, कि वो डॉक्टर स्पेशल उसी पेशेंट को देखने आ रहा है, या हो सकता है उसी हॉस्पिटल का कोई बड़ा डॉक्टर हो, उसी हॉस्पिटल का
कोई बड़ा डॉक्टर है वो भी उस पेशेंट को देख रहा है तो उसके लिए क्या होता है, वो स्पेशल विजिट चार्ज लग जाता है। क्यों? कि उसमें क्या होगा कि जितने टाइम वो विजिट करेगा, वो दिन में दो बार भी उस पेशेंट को देखने आ गया तो दो बार का चार्ज उसको पेशेंट को अलग से पे करना होगा उसका। क्योंकि क्या हो रहा है कि वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर उसी पेशेंट के लिए स्पेशल बुलाया गया है, ठीक है, तो इसलिए उसका चार्ज पेशेंट को ही पे करना होगा। तो यहाँ पर जो हम स्पेशल विजिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो स्पेशल विजिट का फॉर्मूला नंबर ऑफ डेज पर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेशल का फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो पर विजिट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। क्यों? हो सकता है कि किसी पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो स्पेशल विजिट ही नहीं हुई, तो उस सेल को आप क्या कर दीजिए, ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं इसी पेशेंट पर यूज करता हूँ कि यहाँ पर इसको इमरजेंसी प्रॉब्लम आई तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, आपको विजिट टाइम लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल कि इसको डॉक्टर देखने आया पूरे 6 दिन के अंदर, ये 6 दिन एडमिट रहा और इस 6 दिन के अंदर 2 बार स्पेशल विजिट हुई, मतलब 2 बार बाहर से डॉक्टर इसके लिए बुलाया गया, तो इंटू वन टाइम आने का चार्ज कितना था 800, तो आप 800 से इसको इंटू कर दीजिए, एंटर कर देंगे तो इसका 1600 रुपये क्या होगा, स्पेशल विजिट का चार्ज हो गया, ठीक है। सेम मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ एक कि इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, इस पेशेंट को क्या है 4 बार डॉक्टर स्पेशल विजिट करेगा तो इंटू 1 बार आने का चार्ज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये क्या हुआ, इसकी स्पेशल विजिट निकलेगी। अब निकालना हमें क्या है, इसकी टोटल पेमेंट, कि इसका जो टोटल पेमेंट है वो कितना बनना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आपको क्या करना होगा जो आपका वार चार्ज है उससे लेके आपको स्पेशल विजिट तक, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए, ओके, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन जो आपका वार चार्ज है, क्योंकि ये हमारे खर्च हो रहे हैं, वार चार्ज से लेके स्पेशल विजिट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए इस टाइप से इसकी क्या है टोटल पेमेंट निकल जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आप और भी इसमें यूज कर सकते हो, जैसे आप नर्सिंग चार्ज भी दे सकते हो या अदर कोई फैसिलिटीज ले रहा है तो आप उसका भी चार्ज दे सकते हो। किसी किसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं तो आप क्या है यहाँ पर मेडिसिन चार्ज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ओके। तो आप इस टाइप से एक्सेल के अंदर मेडिकल सीट बना सकते हो। तो आपने देखा है इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हॉस्पिटल का बिल बनाना बताया कि कैसे आप एक्सेल के अंदर बड़ी आसानी से हॉस्पिटल का बिल बना सकते हैं। इसके अंदर आपने देखा हमने कुछ ज्यादा खास फॉर्मूले नहीं यूज किए, फॉर्मूले वाले बिल्कुल सिंपल से थे, लेकिन जो हमारा मेथड था कि हमें किस टाइप से हॉस्पिटल का बिल बनाना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से हॉस्पिटल बिल बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।